हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने DU BEd एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए प्रिपरेशन की वीडियोस स्टार्ट कर दी है, और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने साइंस के जो विटामिंस होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके रासायनिक नाम जानना, उनकी वीडियो में उस वीडियो में हमने उसके बारे में डिस्कस करा था। और इससे पहले भी ऑलरेडी कई प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस हमने पब्लिश की है। तो आप अगर DU BEd की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से BEd करना चाहते हैं इस साल और उसके एंट्रेंस में अपीयर होना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं ला रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन आपको वैसे भी दिखेंगे जो कि ऑलरेडी जामिया या फिर DU BEd के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd प्रिपरेशन प्लस जामिया या फिर IPU किसी भी यूनिवर्सिटी की BEd की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, या फिर आप कह लीजिए फैक्ट है, वो है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। लाइक पृथ्वी सीधी नहीं है, पृथ्वी कुछ हद तक झुकी हुई है और उसी झुकाव पे वो अपनी घूर्णन गति करती है। तो वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो वो है 23.30 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है और उसी झुकाव पे वो घूर्णन गति करती है। नेक्स्ट है हमारा, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। पृथ्वी कौन से नंबर पे सबसे बड़े ग्रहों में आती है, तो इसमें पृथ्वी का स्थान है पांचवा, पांचवें नंबर पे पृथ्वी ग्रहों में सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर का जो DU BEd का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। और जिन बच्चों को लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पता होगा, इसका आंसर पता होगा, तो उन्होंने सही लगाया होगा, पश्चिम से पूरब, और यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं। लाइक पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, एक होता है उसका घूर्णन गति और दूसरा होता है परिक्रमण गति। ये जो घूर्णन गति है ये वही गति है जो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। जबकि पृथ्वी जब अपने अक्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है, उस गति को हम कहते हैं परिक्रमण गति। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण बनते हैं, तो वो उसकी घूर्णन गति होती है। और यदि पूछा जाए कि पृथ्वी पर साल कौन सी गति के कारण बनते हैं, तो वो उसकी परिक्रमण गति होती है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं, तो इसे सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। लाइक ऊपर हम परिक्रमण गति की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो वक्त लगता है उसको हम सौर वर्ष कहते हैं, जिसे हम एक साल के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है, तो हर एक सौर वर्ष में या फिर कैलेंडर वर्ष में 6 घंटे का समय बढ़ता है, और यही कारण होता है जो कि 4 साल बाद फिर एक नया दिन ऐड हो जाता है, और जो 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है उसमें 366 दिन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। तो पृथ्वी आकार और दृष्टि के आधार पर शुक्र ग्रह के समान है, इसीलिए पृथ्वी को शुक्र की बहन भी बोला जाता है। और इसके अलावा हम एक वीडियो में ग्रहों के स्पेसिफिकेशन की भी बात करेंगे कि किस ग्रह की क्या क्या विशेषताएं होती है। लाइक शुक्र जो ग्रह है यहाँ पे, इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है। लाइक सबसे चमकता हुआ ग्रह कौन सा होता है, तो शुक्र होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। इसके अलावा और भी कई शुक्र ग्रह की विशेषताएं हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्र, कि पृथ्वी किस ग्रह के समान है, तो शुक्र ग्रह के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है।
निकटतम तारा पूछा गया है यहाँ पे, तो सबसे निकटतम तारा सूर्य के बाद है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह केवल और केवल चंद्रमा है, और चंद्रमा के अलावा कोई दूसरा उपग्रह पृथ्वी का नहीं है। नेक्स्ट हमारा, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? लाइक चंद्रमा जो चांद है हमारा, उसकी सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का जो हम अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो उसके अध्ययन को हम कहते हैं सेलेनोलॉजी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सेलेनोलॉजी और सेलेनोलॉजी, ये दोनों तरह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के पर जो धूल का मैदान होता है उसको हम शांति सागर के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको शांति सागर कहीं दिखता है तो इट मीन्स चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है उसकी बात हो रही होगी। नेक्स्ट हमारा, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो अगेन जीवाश्म ग्रह का भी अगर जिक्र हो कहीं पे तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा आपके चंद्रमा को, चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। तो चंद्रमा केवल और केवल सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? क्यों समुद्र में ज्वार भाटा उठता है? तो इसका एकमात्र कारण यही होता है कि अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात, लाइक जितना भी उनके बीच में शक्तियों का अनुपात है, उसी अगर वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है तो उसी के कारण जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है वो होता है, ठीक है। और इसका जो अनुपात होता है, जो शक्तियों का अनुपात होता है, वो होता है 11:5, ठीक है। तो ये आप को पता होना चाहिए कि कितना शक्तियों का अनुपात सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है जब ज्वार भाटा समुद्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटेनियम, टाइटेनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है चांद पर। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पृथ्वी से जो चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हमें दिखाई देता है, तो वो केवल 57% हमें दिखाई देता है, बाकी का जो बचा हमारा 43% भाग वो हमें नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन गति कितने दिनों में करता है? अब यहाँ पे चंद्रमा की बात हो रही है कि चंद्रमा हमारी धरती की जो एक घूर्णन गति है या परिक्रमण गति है वो कितने दिनों में करता है? तो चंद्रमा को लगते हैं 27 दिन और 8 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश चक्र क्या होता है? अब प्रकाश चक्र से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश चक्र एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो कि प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। लाइक हमारी पृथ्वी पर कुछ हिस्सा जहाँ पे दिन हो रहा होता है और कुछ हिस्सा जहाँ पे रात हो रही होती है, तो प्रकाश चक्र ऐसे ही हिस्सों को दो भागों में बांटती है, और इसी प्रकार की इस काल्पनिक रेखा को हम प्रकाश वर्ष या प्रकाश चक्र के नाम से जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? सेम ये तो क्वेश्चन हमने ऊपर कर ही लिया है कि पृथ्वी का जो परिभ्रमण की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं ज्योग्राफी के, एंड बिलीव मी ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिहाज से, एंड आप सभी इसे बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने जा रहे हैं। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ जामिया में, तो 1 ना 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसेंगे, क्योंकि जामिया का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और एनसीईआरटी से ही ये सारे फैक्ट उठाए गए हैं। तो आई होप कि आपकी एनसीईआरटी के भी जो फैक्ट हैं वो इस तरह से कवर हो जाएंगे और आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी या फिर साइंस के कुछ क्वेश्चंस को। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप कि एंट्रेंस तक हम पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ, क्योंकि बट आई थिंक इतना पॉसिबल तो नहीं होगा, बट आई विल डू माई बेस्ट।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा. सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.